हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी नई सब्सक्राइबर को से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको इस तरह की नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट जॉब से जो इंपॉर्टेंट जीके या जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है, फॉर्म आपका 28 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2017 को है। और ये जो इसमें मिनिमम एज मांगा हुआ है वो 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 साल। और ये जो एज है आपकी वो काउंट होगी 1 जुलाई 2017 से। अब हम बात करेंगे इसके फी के बारे में। तो देखिए, जो फी है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800 का फी है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है और जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दो तरह की पोस्ट आई हुई है इसमें। जो पहली पोस्ट है वो आपकी साइंटिफिक साइंटिस्ट ग्रुप ए में ये आई हुई है और जो दूसरी पोस्ट है वो है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए। ठीक है, ये जो है जो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो साइंटिस्ट वी की वो 81 वैकेंसी है और इसका जो लेवल ग्रेड पे की बात की जाए तो 10th लेवल ग्रेड पे है जो 56,000 से लेके 1,77,500 रुपये तक है। और इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो देखिए, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इसी ब्रांच से भी कैंडिडेट, और साथ ही साथ इसको अगर जो कैंडिडेट एमसीए कर रखे हैं फिजिक्स में और उनको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं। और वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं जिसने एमसीए कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक में और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों जो ये पोस्ट है साइंटिस्ट बी की, ये इनके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और एमसीए कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा और मैं रिटन टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या उसका सिलेबस है। और अब हम जान लेते हैं इसकी दूसरी पोस्ट के बारे में। जो दूसरी पोस्ट है वो है आपका साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 259 है। ठीक है, और इसका जो लेवल है वो लेवल 6 पे ग्रेड पे कमीशन पे लगता है, 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 6 है। ठीक है, और जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक के बीच में सैलरी है सीटीसी देखा जाए तो। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमसीए एमएस बीटेक, और बीटेक वो किसी भी फील्ड से होना चाहिए। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि वो किसी भी फील्ड से बीटेक हो, जैसे कि वो फिजिक्स से कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, इवन वो अगर उनका जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल या सिविल डिजाइन, तो ये ठीक है, इवन वो जीआईएस से भी कर रखे हैं। तो ये सारी आप जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देख रहे हैं वो किसी भी फील्ड से हो वो उसके लिए एलिजिबल है। बस इसमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, और बाकी देखिए इसमें फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम और बायो इन्फॉर्मेटिक, रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैथमेटिक्स एंड अगर हम बात करें मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारी ब्रांच जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। जो टेक्निकल असिस्टेंट है सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, 259। ठीक है, बात करेंगे आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, मैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करिएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा। वो लिंक का ये है, ठीक है, अगर मैं आपको ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिटन टेस्ट की या सिलेबस की, क्या सिलेबस है उसका। देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न है साइंटिस्ट बी कैटेगरी की, तो वो उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फॉलोड बाय इंटरव्यू। और जो साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए है उनका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ रिटन ओनली होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और अगर हम बात करें कि सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस कुछ इस तरह है। इनका जो सिलेबस है इसमें टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन में से जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। ठीक है, और अगर सेक्शन सेक्शन की बात किया जाए तो उनका जो सेक्शन रहेगा, पहले सेक्शन में जो ए सेक्शन रहेगा उनका, वो
उस सेक्शन में वो कंप्यूटर साइंस के 60 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और बाकी एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इन सब के 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि 60 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल रहेंगे और 60 क्वेश्चन जो है नॉन टेक के क्वेश्चन रहेंगे। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर का रहेगा। और इसमें ये भी दे रखा है कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% होना चाहिए, और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 45%, एंड फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट दे हैव टू गेट 30% फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। और जो सिलेक्शन रेशियो होगा 85 पर वैकेंसी होगा, मतलब एक वैकेंसी पे 85 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें जो जीके पूछे जाएंगे वो आप हमारे चैनल फन स्टडी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से जो है जीके के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आप उसको वहाँ से देखिए और अपने नॉलेज को बूस्टअप कीजिए। सो फ्रेंड, ये थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ये सारी चीज़ मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके आप एक पीडीएफ फॉर्म खुल जाएगा, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सिलेबस में कंप्यूटर साइंस सिलेबस में क्या क्या पूछा है ये सारी चीज़ देख लेंगे और फॉर्म को